बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस इंसान को या उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करूं, क्या करूं कि वो मुझसे प्यार करने लगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि कोई इंसान आपसे प्यार करे, कोई इंसान आप पे इंटरेस्ट ले, तो ये वीडियो आपके लिए है, देखते रहिए। हाय गाइस, दिस इज गीत एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद गीत। आज मैं आपको बताऊंगी 10 टिप्स, 10 चीजें जो आप कर सकते हो कि दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कि दूसरे इंसान को आपसे प्यार होने लगे। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये सारे टिप्स आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे ना, बहुत ज्यादा चांस है कि सामने वाला आपसे प्यार करने लगेगा, सामने वाला आपकी कदर करने लगेगा, सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो टिप नंबर 1, पे अटेंशन, मतलब ध्यान दो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उसको स्पेशल फील कराना पड़ेगा। अगर उसी को नहीं लगेगा कि आप उसकी कदर करते हो, वो आपकी कदर क्यों करेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा। सो जब आप उस इंसान के साथ होते हो, आपको फोन पे नहीं लगना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपने उसको टाइम देना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। जब कोई आपको अनडिवाइडेड अटेंशन देता है ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि लगने लगता है कि आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। एंड हकीकत ये है कि अगर आपको महसूस होता है ना कि आप किसी के लिए खास हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उसके लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। नंबर 2, गिव एंड डोंट जस्ट टेक। मतलब अगर आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो, प्रॉबेबली वो कुछ आपको देता है, वो कुछ अच्छा करता है, वो कुछ अच्छा बोलता है, किसी तरह से आपको अच्छा महसूस कराता है, तो वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन यू हैव टू गिव। ये तो आप टेक कर रहे हो, ये तो आप उस इंसान से ले रहे हो, ये अच्छी फीलिंग्स। आपको भी उसको वो चीजें देनी है, आपको भी उसकी परवाह करनी है, आपको भी उसकी फीलिंग्स, उसकी डिजायर्स, उसकी थॉट्स, उसकी पसंद के बारे में सोचना है। अगर आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीजें, मैं गिफ्ट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आप उसको किसी तरह से कुछ अच्छा महसूस नहीं करवा रहे हो, एक केयर नहीं दे रहे हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा। नंबर 3, इज्जत करो उस इंसान की, उसकी ओपिनियंस की और उसके परिवार की। यू नो, मे बी उस इंसान की इज्जत करना आसान है, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप उसको पसंद करते हो, पर उसकी सोच की भी इज्जत करो। उस इंसान से पूछो कि वो क्या सोचते हैं। पता है, लोग चाहते हैं कि कोई उनको समझे, कोई उनकी बातें सुने, कोई उनकी सोच की कदर करे, परवाह करे, बिकॉज आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग किसी और की सोच की परवाह करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता कि मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता हूँ, लोग मुझे बच्चा समझते हैं, लोग मुझे पागल समझते हैं। तो अगर आप उनकी सोच की कदर करोगे, तो ऑब्वियसली आप स्टैंड आउट करोगे उनके दिमाग में, आप हटके लगोगे, आप अलग लगोगे और लोगों से। एंड ऑल्सो उनके परिवार की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, बिकॉज हकीकत यह है कि हमारे कल्चर में हमारा परिवार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड हम सब लोग मोस्टली अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं कि हमारा परिवार हमसे प्राउड फील करे। तो अगर आप उनके परिवार की इज्जत करोगे ना, तो उनको अच्छा लगेगा, आपकी तरफ एक करीबी महसूस होगी, बिकॉज उनको लगेगा कि जो उनके लिए मायने रखता है, वो चीज़ आपके लिए भी मायने रखता है। नंबर 4, ज़्यादा पोजेसिव या क्लिंगी मत बनो। आप उनको सफोकेट नहीं करना चाहते हो। कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया में कि कोई उनको कंट्रोल करे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई आपकी परवाह कर रहा है, थोड़ी बहुत रोक टोक चलती है, पर अगर आप उनको बहुत ज्यादा रोकने लगोगे, टोकने लगोगे, आप उनको दिखाओगे कि आपको पसंद ही नहीं कि वो किसी से भी बात करें, हर वक्त आप उनके साथ चिपके रहने की कोशिश करोगे, तो वो आपके करीब नहीं आएंगे, बल्कि वो आपसे दूर जाएंगे। उनको सफोकेशन, उनको घुटन महसूस होगी। हर एक इंसान को एक आजादी चाहिए, कोई भी किसी की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता। एंड जब आप ज्यादा पोजेसिव होते हो, ज्यादा क्लिंगी होते हो, दूसरे इंसान को लगता है कि आप उन पे भरोसा नहीं करते हो, आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हो। सो थोड़ा सा स्पेस दो दूसरे इंसान को। एंड एक्चुअली जब ये स्पेस होता है ना, तभी तो वो आपको मिस कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त उनके साथ हो, तो वो आपको मिस कब करेंगे, उनको एहसास कब होगा कि वो भी आपकी परवाह करते हैं, वो भी आपकी केयर करते हैं, उनको भी आपकी जरूरत है। नंबर 5, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मोरल्स रखो, सही सही है, गलत गलत है, और आप सही के रास्ते पे चलो। You know, अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, कोई आपकी इज्जत करे, तो आप इज्जतदार बनो, आप उस प्यार के काबिल बनो। मूवीज में हमें हीरो हीरोइन क्यों पसंद आते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं। तो हकीकत में भी अगर आपको उसकी हीरो, उसकी हीरोइन बनना है, तो अच्छे काम करो, अच्छे बनो, कि उनको लगे कि हाँ, वो इंसान खास है, वो इंसान अच्छा है।
उससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, उसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ. नंबर 6, स्माइल एंड लाफ, खुश रहो. पता है लोग खुश लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, और पता है क्यों होते हैं? क्योंकि सब लोग खुश होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग चाहते हैं कि हम खुश हों. एंड तो जब हम किसी खुश इंसान को देखते हैं ना, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम उनके साथ रहेंगे तो उनकी खुशी कहीं ना कहीं हम पे रब ऑफ हो जाएगी. नेगेटिव लोग, सैड लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता है. सबके पास अपने दुख बतेरे होते हैं कि वो औरों के दुख नहीं लेना चाहते. सो अगर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे. नंबर 7, उनके पीछे भागना बंद करो. मैंने ये चीज देखी है कि जितना आप किसी के पीछे भागते हो ना, उतना ही वो आगे आगे भागते हैं. अगर आप ज्यादा डेस्परेट देखोगे ना, वो आपकी कदर नहीं करेंगे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे. उनको तो पता होगा ये तो है ही ना, देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं हमारे. एफर्ट दोनों साइड से होनी चाहिए. हाँ, आप उनको दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड हो, पर आप डेस्परेट नहीं हो. ये नहीं है कि आपको कोई और नहीं मिल सकता है, आप इनको चुन रहे हो. नंबर 8, परस्यू देयर पैशंस. मतलब जो उनको पसंद है ना, वो चीजें करो. लाइक स्पेशली हॉबीज वगैरह, मूवीज वगैरह, जो चीजें उनको अच्छी लगती है ना, अगर आप वो चीजें करोगे तो दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी लगेगी उनको. एंड मैंने देखा है, एंड साइकोलॉजी भी कहता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग एक जैसे होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. हमें अच्छे लगते हैं वो लोग जिनकी सोच हमारी जैसी है, जिनको वो चीजें पसंद है जो हमें पसंद है. कभी आपने अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के बारे में बात करी है किसी से, और अगर उनके भी सेम फेवरेट है तो एक कनेक्शन सा बनता है ना. सेम विद स्पोर्ट्स टीम्स, राइट? स्पोर्ट्स टीम, अगर कोई आपकी टीम को पसंद करता है तो आप ऑटोमेटिकली उस इंसान को पसंद करते हो. तो जो चीजें इस इंसान को करनी अच्छी लगती है ना, आप भी वो ट्राई करके देखो. फिर आप दोनों मिलके वो चीजें कर सकते हो, और उससे भी एक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होगा. तो ये नहीं कि आप उनको अपनी चीजों में लाने की कोशिश करो, अपनी तरह बनाने की कोशिश करो, बल्कि आप उनकी तरह बनो. थोड़ा सा आप उनकी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी हॉबीज में इंटरेस्ट दिखाओ. देखना, उससे काफी बॉन्डिंग होती है जब ऐसा कोई करता है. नंबर 9, बी पेशेंट. जल्दबाजी मत करो, उनको फोर्स मत करो, धीरज रखो. वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं. अगर वो आपके लिए बने हैं तो वो आपके लिए हैं. तो आराम से, शांति से आगे बढ़ो. अगर वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, इट्स ओके, दोस्ती निभाओ. एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज कि दोस्ती करो उस इंसान के साथ. दोस्ती नहीं करोगे तो प्यार कब होगा? प्यार तो दोस्ती का नेक्स्ट कदम है ना. सो डोंट बी टू क्विक टू से आई लव यू, एंड डोंट बी टू क्विक टू फोर्स देम कि वो भी आपको प्यार करें या वो भी आपकी फीलिंग्स रिसिप्रोकेट करें. एंड नंबर 10, बी कंसिस्टेंट. ये नहीं कि आज आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, कल आप उनको इग्नोर कर रहे हो. आज आप उनको पसंद कर रहे हो, कल किसी और को पसंद कर रहे हो, और फिर वापस इनके पास आ जाते हो. अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे, तो आप उनको दिखाओ कि आप कंसिस्टेंट हो, कि आप उन्हीं को पसंद करते हो. जो आप कर रहे हो वो दिल से है, एंड आप निभाने वालों में से एक हो. पता है आजकल बहुत सारे लोग रिश्ते में जाने से इसलिए भी डरते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि दूसरा उनका दिल तोड़ देगा. तो आपको उनको दिखाना है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं आपका दिल तोड़ने के लिए ये रिश्ता नहीं बना रहा हूँ. मैं ये रिश्ता बना रहा हूँ क्योंकि मुझे निभाना है आपके साथ, मुझे आगे तक चलना है आपके साथ. एंड वो चीज़ उनको तभी दिखेगी जब आप एक कंसिस्टेंसी दिखाओगे, जब आप दिखाओगे कि हर रोज आप उनमें इंटरेस्टेड हो, और आप केवल उनमें इंटरेस्टेड हो. सो ट्राई दीज 10 टिप्स. आई थिंक अगर आप ये 10 चीज़ें अपनी जिंदगी में, अपने रिश्ते में अपनाओगे, तो आप देखोगे कि दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरा इंसान आपसे दोस्ती करना चाहेगा, एंड होपफुली आपसे प्यार भी करना चाहेगा. ट्राई करके मुझे जरूर मैसेज करना इफ इट्स सक्सेसफुल और नॉट. बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड शेयर जरूर करना. जब आप ऐसा करते हो मुझे फीडबैक मिलती है, और उससे मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकती हूँ. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ.